हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आई क्यू में स्वागत है। आज आपके लिए मैं राजस्थान शिक्षा जगत समाचार लेकर के आ गया हूं, जो कि आप देख पा रहे हैं 24 अगस्त 2019 शनिवार की बड़ी खबरें। 50 बड़ी खबरों के यहां पर पूरी आपको न्यूज़ मिलेगी। नई भर्ती और पुरानी भर्ती से संबंधित परिणाम और नई भर्ती जो शुरू होगी रेलवे में, देख सकते हो यहां पर 367 पदों पर और RPSC, RSMSSB, SI भर्ती का जो वर्गीकरण जारी कर दिया गया है। CRPF का यहां पर देखने को मिलेगा, ये शारीरिक परीक्षा से संबंधित न्यूज। और CMA का परिणाम जारी कर दिया गया और CA का परिणाम जारी कर दिया गया। ये सारी वैकेंसियों के बारे में आपको पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक देखने को मिलेगी और भी अन्य बहुत सारी जानकारियाँ हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिए, और वीडियो को अच्छी लगे तो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो चले स्टार्ट करते हैं शिक्षा जगत समाचार को। तो आज का शिक्षा जगत समाचार है शिक्षा विभाग समाचार राजस्थान। क्या खबर है? पहली खबर है राहत। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर मंडलों में होगी विभागीय भर्ती परीक्षा। तो विभागीय भर्ती परीक्षा होगी, यहाँ पर साफ साफ आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है। रेलवे 367 पदों के लिए सितंबर में आयोजित करेगा भर्ती परीक्षा। बड़ी खबर है ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर जयपुर से बड़ी खबर, JEN से पहले मिल जाएगा पैरामेडिकल स्टाफ। आरिफ कुरैशी की बड़ी खबर अजमेर से। चलिए अगली खबर है SI भर्ती 2016 पदों का वर्गीकरण मिला परिणाम जल्दी। यहाँ पर देख सकते हो बड़ी खबर आ रही है, SI भर्ती 2016 का परिणाम जारी कर दिया गया, जिसका मैंने आपको नोटिफिकेशन भी कल भी बता दिया था। पदों का वर्गीकरण मिला परिणाम बहुत ही जल्दी। सिटी रिपोर्टर अजमेर से खबर, 26 से होगी सुपरवाइजर भर्ती के दस्तावेज जाँच। चलिए अगली खबर है सभी विद्यार्थी के लिए 10वीं 12वीं की परीक्षा में घटेंगे डिस्क्रिप्टिव सवाल। 10वीं 12वीं की परीक्षा में घटेंगे डिस्क्रिप्टिव सवाल। CBSE 2020 के लिए पैटर्न में किया बदलाव। बड़ी खबर है दोस्तों जयपुर से, देख सकते हो 20 अंक प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के लिए किए थे। तो प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए 20 अंक तय किए हैं और यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव सवाल आते थे उनमें घटेंगे। चलिए अगली खबर, जन्माष्टमी का अवकाश बदलने से गफलत, आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी नहीं। बड़ी खबर है देख सकते हो, जन्माष्टमी का अवकाश बदलने से गफलत, आज स्कूल कॉलेज में छुट्टी नहीं। शिक्षक संगठनों ने भी सरकार के फैसले का विरोध, गलत निर्णय करार। सरकार की किरकिरी कराने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई और शनिवार को अवकाश रखने की मांग। जयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है, चलिए उत्सव मनाने बच्चे स्कूल गए तो पता चला छुट्टी है और जन्माष्टमी के दिन सरकारी छुट्टी नहीं। बड़ी खबर देख सकते हो, यहाँ पर ये विद्यार्थी है जो कि जन्माष्टमी मनाने के लिए स्कूल पहुँच गए पर स्कूल में छुट्टियाँ। अगली खबर है शक्ति, AICTE UGCE ने संस्था को दिए निर्देश। विश्वविद्यालयों के साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज की शोध में भी रोक नकल। बड़ी खबर, नकल की तो दोबारा जमा करानी होगी। दिस इज बड़ी खबर। अगली खबर है RU ने जारी की MPET के 26 विषयों की लिस्ट। RU ने जारी की MPET की 26 विषयों की लिस्ट, जयपुर से बड़ी खबर देख सकते हो। अगली खबर है, ये है फ्री टीचर स्कीम। मुफ्त में पढ़ाने वाले से मांगे गए आवेदन, न तो सर्टिफिकेट मिलेगा और न ही कोई यात्रा बता। बड़ी खबर एजुकेशन रिपोर्टर जयपुर से। अगली खबर है इग्नू में अब 27 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। इग्नू में अब 27 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन, एजुकेशन रिपोर्टर जयपुर से बड़ी खबर आ रही है निकल करके। अगली खबर है नीट काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से दोबारा होगी शुरू। नए मॉपअप राउंड में अब 8092 की जगह 12717 स्टूडेंट शामिल हो गए। भास्कर न्यूज कोटा जयपुर से खबर, 68 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले। बड़ी खबर यहां पर देख सकते हो। अगली खबर है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 280 पदों पर भर्ती। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में देख सकते हो आयोग ने 280 चयन पदों पर भर्ती। कृषि विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण युवा जल्दी करें अप्लाई। कृषि विज्ञान में जो स्नातक जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वह जल्दी आवेदन करें। बड़ी खबर, अगली खबर है जैव विविधता समितियों के गठन में 13 जिलों की लापरवाही सामने आई। ब्यूरो नवज्योति जयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है CMA और CA का परिणाम घोषित। CA इंटरमीडिएट में जयपुर के अक्षत ने किया टॉप। CA इंटरमीडिएट में जयपुर के अक्षत ने किया टॉप। ब्यूरो नवज्योति जयपुर से बड़ी खबर, देख सकते हो यहाँ पर अक्षय गोयल ने टॉप किया है जो कि जयपुर के है। 800 में से 735 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है।
चलिए अगली खबर है। कई स्कूलों पर बेअसर रहे अवकाश के आदेश। कई स्कूलों पर बेअसर रहे अवकाश के आदेश, जोधपुर नवज्योति से बड़ी खबर। अगली खबर है संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक। संविदा कर्मियों को हटाने पर रोक, जयपुर से बड़ी खबर। अगली खबर है छात्रावास में रह रही छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, प्रभारी वार्डन बीमार। छात्राओं को ना तो अस्पताल में भर्ती कराने पहुंची, ना ही उन्हें देखने, बड़ी खबर। अगली खबर है ई मित्र से मिलेंगे रेलवे टिकट, घर के नज़दीक मिलेगी सुविधाएँ, श्रीगंगानगर से खबर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। चलिए अगली खबर है सीआरपीएफ भर्ती शारीरिक परीक्षा में दो परीक्षार्थियों के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। तो यहाँ पर सीआरपीएफ जो भर्ती चल रही शारीरिक परीक्षा में दो परीक्षार्थियों के फर्जीवाड़े पर्दाफाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अगली खबर है मेडिकल कॉलेज में बची सीटों के लिए अब अपग्रेडेशन, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग, राज्य सरकार ने मानी थी गड़बड़ी। चलिए जयपुर से बड़ी खबर है। अगली खबर है भ्रूण लिंग जांच मामले की सूचना के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। भ्रूण लिंग जांच मामले की सूचना के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। मुखबिर योजना का मिलेगा लाभ, होगी भ्रूण लिंग जांच करने वाले पर कार्रवाई, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मानधन योजना के योजना में मिलेगी प्रतिमाह 3,000 की पेंशन, बाड़मेर से बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मानधन योजना में 3,000 रुपये मिलेंगे। अगली खबर है गहलोत सरकार इसी साल शुरू करेगी 48 नए कॉलेज, श्रीगंगानगर से बड़ी खबर। 30 अगस्त से एडमिशन प्रक्रिया शुरू। चलिए अगली खबर, कैंडिडेट कोर परीक्षा में 25 का चयन। कैंडिडेट कोर परीक्षा में 25 का चयन, बड़ी खबर। जिला कलेक्टर ने नकासर की सरकारी स्कूल में किया मिड डे मील का निरीक्षण, विभिन्न स्कूलों में किया मिड डे मील का निरीक्षण, हनुमानगढ़ से बड़ी खबर। अगली खबर है 10 RAS का IAS में प्रमोशन। 10 RAS का 10 और IAS में प्रमोशन, बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी, क्योंकि इनका लिए आप खुशखबरी का मौका है, क्योंकि RAS के पहले अब IAS बन गए हैं। चलिए बड़ी खबर है, प्रधानाचार्य का निलंबन व वरिष्ठ शिक्षक का स्थानांतरण निरस्त करने की मांग, बड़ी खबर। अगली खबर है नगर पालिका का आम चुनाव 2019 की तैयारी को लेकर शिक्षा निर्देश जारी, बड़ी खबर। अगली खबर है बीकानेर और जयपुर के अलावा कई बड़े शहरों में नगर निकाय व प्रशासन ले चुका है सख्त एक्शन। आखिर गंगानगर में ही क्यों न हो रही बिना फायर सिस्टम वाले कोचिंग सेंटर वालों के खिलाफ कार्रवाई। चलिए अगली खबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बिहानी शिक्षा महाविद्यालय के मॉडल का तबादला, राजस्थान से एकमात्र मॉडल श्रीगंगानगर, बड़ी खबर। देख सकते हो यहाँ पर ये जो खबरें थी आज के शिक्षा जगत समाचार की, जो कि हमने आपको बताई। ये शिक्षा जगत समाचार आपको कैसा लगा? यदि शिक्षा जगत समाचार यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से न तो आपका कुछ जाता है, आपको मुझे क्या मिलता है, अच्छा मिलता है, मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि हाँ इनके लिए डेली वीडियो बनाना चाहिए। बस इतना ही है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए शिक्षा जगत समाचार देने का मकसद है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद मित्रों।